2024 लोकसभा चुनाव में करीब डेढ़ साल का वक्त बचा है। सपा से किनारा करने और फिर मायावती की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की स्थिति में अब राजभर के सामने बीजेपी के रूप में विकल्प नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस संबंध में दोनों ही तरफ से कुछ स्पष्ट यानी कि साफ संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। बीजेपी और राजभर की दोस्ती में एक बड़ी रुकावट मुख्तार अंसारी और उनका परिवार है, लेकिन अब राजभर के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अखिलेश से अलगाव, माया ने नहीं दिया भाव, अब सिर्फ बीजेपी के सहारे राजभर की नाव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। ओम प्रकाश राजभर का सपा से नाता टूट गया है और नए दोस्त की तलाश में है। राजभर अब बसपा से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन मायावती उन्हें भाव नहीं दे रही है। बीजेपी भी साइलेंट मोड में है। ऐसे में सियासी मझधार में फंसे राजभर के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है और शायद यही वजह है कि राजभर अब बीजेपी का बखान फिर से कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी ईमानदार हैं, अधिकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं आने देते। राजभर ने कहा कि योगी सरकार में व्यापारियों को रंगदारी टैक्स से राहत मिली है। मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया, सात बैठक किया, सातों बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चाहे झापड़, इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर कार्रवाई को लेकर भी राजभर के सुर बदले बदले दिखाई दिए। राजभर ने कहा कि अब्बास पर कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है। राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के प्रति नरम रवैया अख्तियार कर रखा है। ऐसे में अंदर पक रही सियासी खिचड़ी कुछ तो इशारा कर ही रही है, लेकिन बीजेपी न तो पत्ते खोल रही है और न ही उन्हें सियासी अहमियत दे रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें ईमानदार बताया है। राजभर ने यह कहा कि अब यूपी में व्यापारियों को रंगदारी टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है। वहीं राजभर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक जननेता को स्थिर रहना चाहिए, कभी भाजपा की तारीफ करते हैं तो कभी बुराई। हालांकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा जरूर मुहैया कराई गई है, लेकिन हाथ मिलाने और सरकार में उन्हें शामिल करने को लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना है कि राजभर अब सूबे में दोस्ती का नया ठिकाना कहां पर बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।